नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप 10 करोड़पति विधायकों की जानकारी दी थी। हमने आपको उसके आखिर में ये भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के 90 में से 69 विधायक करोड़पति हैं। आज हम आपको हमारे प्रदेश की एक ऐसी विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जो औरों से संपत्ति के मामले में बहुत पीछे हैं। ये विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की शकुंतला साहू, जो हमारे प्रदेश की कसडोल विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। शकुंतला साहू को लेकर हमने कई स्पेशल स्टोरीज भी बनाई हैं, जिन्हें आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। शकुंतला साहू छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कसडोल विधानसभा से उन्होंने जीत दर्ज की थी। शकुंतला साहू को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुंहबोली बेटी कहा जाता है। शकुंतला साहू प्रदेश के सबसे गरीब विधायकों में गिनी जाती हैं। साल 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने चुनाव आयोग को अपना शपथ पत्र दिया था, उस हलफनामे के मुताबिक शकुंतला साहू के 3 बैंकों में खाते हैं, जिनमें क्रमशः 13,088 रुपए, 54,605 रुपए और 40,000 रुपए कुल जमा हैं। इनका कुल योग मिलाया जाए तो 1,07,693 रुपए होते हैं, जो इनके बैंक अकाउंट में जमा बताए गए। तो वहीं 1,49,500 रुपए कैश का इनके पास होने की जानकारी दी गई। शकुंतला साहू के पास बॉन्ड्स नहीं होने की जानकारी दी गई, न ही किसी तरह के शेयर्स में उन्होंने पैसा लगाया है। उनके नाम पर कोई लोन भी नहीं है और ताज्जुब की बात यह है कि उनके पास खुद की कोई गाड़ी भी नहीं होने का उल्लेख शपथ पत्र में किया गया है। आमतौर पर नेताओं के पास एक गाड़ी तो कम से कम खुद की होती ही है। शकुंतला साहू के पास 2,98,000 रुपए की ज्वेलरी है, जिसमें से 2,56,000 रुपए का सोना तो वही 42,000 रुपए की चांदी है। इनके पास मात्र 20,000 रुपए का मोबाइल फोन होने की जानकारी दी गई थी। उनके नाम पर कहीं कोई कृषि भूमि भी दर्ज नहीं है, न ही खुद का कोई रेजिडेंस या प्लॉट होने की जानकारी दी गई है। उनकी कुल संपत्ति का योग 5,75,193 रुपए बनता है, जिसमें से उनके नाम पर 1,65,458 रुपए की देनदारी दर्ज है। दोस्तों, क्या अब आप भी मान सकते हैं कि कसडोल विधायक शकुंतला साहू हमारे प्रदेश की सबसे गरीब विधायकों में से अब भी एक हैं, या फिर इन 5 सालों में उनकी संपत्ति में कुछ इजाफा हुआ होगा? अपनी राय हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।